नहीं देख लीजिए, घर में किसी भी तरीके का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था और मेरा उनका कोई मेल नहीं खाता है। हम पूजा पाठ और धार्मिक किस्म के आदमी हैं और उनका हाई सोसाइटी में रही हैं वो खुद, और हाई क्लास में रही हैं, दिल्ली में रही हैं वो, इसलिए कुछ बात को लेकर के हमारा मेल नहीं खाता है। 5-6 महीना मैंने बहुत कोशिश भी किया, यहाँ तक कि मेरे मम्मी पापा को भी हमने समझाने का काम किया कि हमारा इनका मेल नहीं खाता, लेकिन फिर भी हमको जबरदस्ती मोहरा बनाया गया है। लेकिन फिर भी हमारे फैमिली के लोग भी हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, और इसलिए हम घुट घुट के तो जीने से अच्छा है कि हम अपना फाइल करें। हमने अपना फाइल किया, बात किया अपने मम्मी से भी या पापा से भी, लेकिन मेरा किसी ने एक नहीं सुनने का काम किया। और हम इतना दिन हम घुट घुट के जी रहे थे, उससे अच्छा कि हम अपना फाइल किए, मोहरा बनाया है। आप देख लीजिए किस तरीके से ये ओम प्रकाश है, यही रिश्ता लेकर के आया था ओम प्रकाश, अब बीपी निशम मिल करके हमको फंसाने का काम किया है। हमने मना भी किया था कि अभी मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी हमको मोहरा बनाया गया। कुछ ना कुछ बोला गया कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन फिर हम बाकावे में बात में आने के बाद जिस तरीके का मोहरा बनाया तब हमको, और इनसे हम मेरा कोई मेल ही नहीं खाता है, तो फिर रिश्ता को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। कोई बात नहीं हुई है मेरी उनसे, कोई बात ही नहीं, 1-1.5-2 महीना से मेरी कोई बात नहीं हुई है। तो पेटिशन को वापस नहीं लिया जाएगा, पेटिशन फाइल हो चुका है, उसको वापस मैं नहीं लूंगा किसी भी कीमत पर। नहीं मिल करके बताएंगे, और उनको तो सब चीज पता है, उनके आँख के सामने हुआ है सारा चीज, जो घटना है जब वो घर में थे तो उनके आँख के सामने किस तरीके से लड़ाई झगड़ा वो करती थी, क्या व्यवहार रहता था। ये तो मदर और फादर से तो छुपा नहीं है, यहाँ तक कि हमारे तेजस्वी जो भाई वो भी सामने रहते थे, सारा चीज जो हुआ सामने हुआ है, किसी से कुछ छुपा नहीं है, इसका पूरा पुख्ता सबूत है। और हम आपको क्या बताएंगे, हम तो कोर्ट के सामने इसका पुख्ता सबूत रखने का काम करेंगे। पहले से हम बोलते आ रहे हैं, घर में ऐसे लोग हैं भरे पड़े हैं जो सबको भाई भाई के प्रति और बहन भाई के प्रति सब घर छोड़ने में लगे हुए हैं, तमाम लोग ऐसे लोग लगे हुए, वही लोग इस तरीके का कारनामा करने का काम किया मेरे साथ। जिंदगी मिला है जो मुश्किल से जिंदगी मिलता है भगवान देते हैं, इसमें भी आदमी अगर घुट घुट के जिएगा तो जीने से क्या फायदा है। तेजस्वी से इस मैटर पर मेरी कोई बात नहीं हुई, पॉलिटिकल मैटर पर बात हुई है, लेकिन इस मैटर पर कोई बात नहीं हुई है मेरी, अभी बात किसी से अभी नहीं हुई है घर पे। अभी मैं रास्ते में हूँ, मैं गया से निकला हूँ, मैं रांची जा रहा हूँ, अभी पिताजी से मुलाकात करूंगा जा करके। अगला कदम क्या है, सुनवाई है उसमें जाना है, हाँ लेंगे क्यों नहीं लेंगे, ये सब चीज तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन अभी जो लड़ाई है वो हमको लड़ना है। अरे अन्याय हुआ है वो तो पिटीशन फाइल हुआ है, उसमें सारा चीज तो लिखा है, अब देखिए सारा चीज है वो पुख्ता, हम कोर्ट के सामने रखेंगे, अब आपके सामने रखना नामुनासिब समझते हैं, इसलिए हम कोर्ट के सामने जो है तर्क वितर्क जो भी है हम कोर्ट के सामने रखेंगे, कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में हम रखने का काम करेंगे इस चीज। उसको बचपन से नहीं जानते थे, ये सब गलत अफवाह उड़ाया गया है मेरे बारे में, न जाने कितने लोग तरह तरह का बात करने का काम किए हैं, कि हम मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, ये बचपन से जानते हैं, ये सरासर झूठ है और ये गलत बात है, मैं बचपन से उसको नहीं जानता हूँ। सुलह होने वाला नहीं है, एक बार कमान से तीर निकल गया है तो अंजाम तक पहुंचेगा, किसी भी तरीके से सुलझने वाला नहीं है मामला ये, क्योंकि घुट घुट के आदमी नहीं जी सकता है। 1-1.5-2 महीना से हम लोग अलग हैं, 1-1.5-2 महीना से हम लोग अलग हैं। नहीं हमने कोशिश किया, हमने अब हम तो घुट घुट के हम तो पिताजी से भी बात करते थे, माता जी से भी बात करते थे, लेकिन फिर भी कोई किसी ने मेरा एक नहीं सुनने का काम किया। हमने फोन से भी पिताजी से भी मेरा बात होता था, लेकिन फिर भी जबरदस्ती हमको बोला जाता था, लेकिन आदमी कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन घुट घुट के आदमी नहीं जी सकता।